भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के मोमिन टोला में कचरे के डब्बे में रखा बम फटने से दो बच्चे घायल हो गए, जिसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि किसी अपराधी के द्वारा कचरे के डब्बे में बम छुपाकर रखा गया था। वहीं कुछ दूरी पर मोहल्ले के कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेल रहे बच्चों का गेंद उस झाड़ी में रखे कचरे के डब्बे में चला गया। जब बच्चे ने गेंद को जैसे ही बाहर निकाला, उसी वक्त बम फट गया, जिससे दोनों बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। इस मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि कुछ बच्चे खेल रहे थे, वहीं पर कचरे में बम रखा हुआ था। खेलने के दौरान बच्चे द्वारा कचरे में रखे पॉलिथीन को खींचने से बम ब्लास्ट हो गया, जिसमें बच्चे घायल हो गए, जिसमें एक बच्चा मामूली रूप से घायल हो गया। दूसरा ज्यादा घायल होने के कारण उसे मायागंज अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। भागलपुर इशाकचक थाना क्षेत्र के भीकनपुर में किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से मोहम्मद मुस्तकीम अख्तर को पुलिस ने दो देसी कट्टा 13 गोली के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार मोहम्मद मुस्तकीम अख्तर के ऊपर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। एसएसपी ने यह भी बताया कि मोहम्मद मुस्तकीम अख्तर के गिरोह के लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। कार्रवाई के लिए नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा जब भीकनपुर गुमटी नंबर 3 के पास पहुंचा गया तो वहां से एक व्यक्ति मोहम्मद मुस्तकीम अख्तर और छोटू को गिरफ्तार किया गया है, और उसके पास से दो देसी कट्टा, फिर 6 जिंदा गोली 0.315 बोर का और 7 जिंदा गोली 12 बोर का गिरफ्तार किया गया है। उप जो अपराधी है ये पूर्व में भी इसाकचक थाना कांड संख्या 192/19 में शामिल था। इस पूरे मामले में यह तथ्य आया है कि इसाकचक थाना क्षेत्र में एक जमीन संबंधित विवाद चला रहा है, जिसको लेकर के दिसंबर महीने में भी आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया था। उसी घटना के बाद फिर से कल किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए यह अपराधी आया था, परंतु उससे पहले पुलिस को सूचना मिली और हथियार और गोली के साथ इसको गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में जो 18 तारीख की संध्या में लोधीपुर थाना क्षेत्र में एक गोपालपुर के पास जमसी के पास एक मवेशी व्यवसायी से लूट की घटना घटित होने के संबंधित कांड दर्ज कराया गया था। इस मामले में बताया गया था कि 16 लाख रुपए जो मवेशी व्यापारी ले जा रहा था उसकी कथित तौर पे उसको लूट लिया गया था। इस मामले के उद्भेदन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा वहां पे जांच किया गया। तो जांच में यह बात प्रकाश में आई है कि जो मवेशी व्यापारी है उसके अकाउंट से एक भी पैसा निकाला नहीं गया था, और साथ में जो उसके साथ उसका ड्राइवर है और उसके द्वारा यह बताया गया है कि इस प्रकार की कोई घटना वहां पे घटित हुआ नहीं है। अभी तक के अनुसंधान में यह तथ्य आया है कि जो मवेशी व्यापारी है उसके द्वारा पैसे को गायब करने की नीयत से या उसको गबन करने की नीयत से इस प्रकार का झूठा कांड दर्ज कराया गया है, और साथ में जो सीसीटीवी फुटेज भी इसमें पुलिस के द्वारा काफी लंबी दूरी में देखा गया था, परंतु जिस प्रकार की बात बताई गई थी कोई भी मोटरसाइकिल के द्वारा उसको पीछा नहीं किया गया था और ना ही कोई मोटरसाइकिल उधर से लौटा था। तो इस प्रकार से ड्राइवर के द्वारा जो बात बताई गई है उसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से भी होती है, और जो वादी के द्वारा बात बताई गई थी उसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से नहीं होती है। जो वादी है उसके ऊपर भी कांड दर्ज किया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के जगलाल उच्च विद्यालय कंपनी बाग के समीप कर्पूरी ठाकुर की जयंती के शुभ अवसर पर शिक्षा और रोजगार को लेकर राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत रालोसपा कार्यकर्ताओं ने मानव कतार लगाया। इस संबंध में जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रविशेखर भारद्वाज ने बताया कि रोजगार के अवसर से युवा वंचित हैं, इसलिए मानव कतार लगाकर हम सरकार का ध्यान इस पर आकृष्ट करना चाहते हैं। 24 जनवरी 2020 को कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के शुभ अवसर पर शिक्षा एवं रोजगार को लेकर राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत
जगलाल उच्च विद्यालय कंपनी बाग के सामने हम लोग मानव कतार लगा रहे हैं और यह मानव कतार शिक्षा एवं रोजगार को लेकर है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, रोजगार के अवसर से युवा वंचित हैं, इसलिए आज हम लोग मानव कतार लगाए हैं कि सरकार का ध्यान आकर्षित हो। वहीं इस मौके पर वीआईपी पार्टी के इंजीनियर अबुल हसन ने भी अपनी बात रखी। ठाकुर जी की जयंती पर जो है यहाँ हम लोगों ने एक दिवसीय जो है मानव कतार का ये किया, बेरोजगार और शिक्षा के इस पर जो है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने पूरे बिहार में जो है इनका ये मतलब इनका जो बोले हैं और उसके समर्थन में जो है वीआईपी पार्टी और भी जो गठबंधन की पार्टी ने समर्थन किया। आज भागलपुर समाहन नाले के पास असंगठित कामगार महासंघ एक्टू के नेतृत्व में जुगाड़ गाड़ी बंद करने के खिलाफ जुगाड़ गाड़ी संघ के द्वारा धरना दिया गया, जिसमें लोगों ने रोजी रोटी पे हमला करना बंद करो, जुगाड़ गाड़ी चलने दो का नारा लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जुगाड़ गाड़ी को चलने दो, चलने दो, चलने दो, रोजी रोटी पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वहीं इस संबंध में एक्टू के जिला सचिव सह राज्य सचिव मुकेश मुक्त ने कहा कि एक महीने से पुलिस ने जुगाड़ गाड़ी की धड़ पकड़ शुरू कर दी है, इससे जुगाड़ गाड़ी वाले दहशत में हैं और अपनी गाड़ी को चलाना बंद कर दिए हैं, जिससे लोगों को खाने पे भी आफत है। इसी के विरोध में आज हम धरना पर बैठे हैं। एक महीने से करीब जो है जो जुगाड़ गाड़ी चल रहा था शहर में और उसकी धड़ पकड़ शुरू कर दी है पुलिस प्रशासन ने। लोगों से आधार कार्ड लिया जा रहा है, मांगा जा रहा है और कह रहा है कि दोबारा अगर जो है आए तो जब्त कर लेंगे गाड़ी। तो पूरा जुगाड़ गाड़ी वाले सभी दहशत में है। लोगों ने जो है एक महीने से अपना जुगाड़ घर में लगा दिया है, बंद है दहशत से। इस सब का रोजी रोटी बंद है, घर परिवार इन लोगों का नहीं चल रहा है। हम लोग यहाँ पर जो है आज धरना देने आए हैं कलेक्टर साहब के पास की जो प्रशासन द्वारा जो अत्याचार अन्याय किया जा रहा है जुगाड़ चालकों पर और उसको जो रोकने की कोशिश की जा रही है, इसको कलेक्टर साहब रोकें, इन लोगों का जुगाड़ गाड़ी चलने दें, रोजी रोटी का सवाल है। आज से 20 दिन पहले भी जो है जो कलेक्टर साहब को आकर के आवेदन दिया था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, मजबूरी में आज हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। मौनी अमावस्या को लेकर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम के गंगा घाट पर लाखों कांवरियों ने गंगा स्नान कर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। बाबा भोलेनाथ के जयकारों के साथ पूरा सुल्तानगंज भक्तिमय हो गया। केसरिया रंग से पूरा अजगैवीनाथ धाम रंग गया। कांवरियां नाचते गाते हुए बाबा भोलेनाथ के भक्तिमय होकर कांवरिया पथ होते हुए देवगढ़ बाबा धाम के लिए रवाना हो गए। इसको लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने जगह जगह पर महिला पुलिस बल और सैफ के जवानों को लगाया गया है, जिससे किसी भी भक्तों को कोई परेशानी ना हो। Thank you.